सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। मेरे भाई आज अपन लोग बात करने वाले वन पीस का वो कैरेक्टर जिसने वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को अपना कमांडर रखा था। आखिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल था, इस बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले क्विक रिमाइंडर दे देना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो तुमको पसंद आता तो प्लीज यार वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन चल जाएगा। और जो कोई भी इस वीडियो पे पहले आया है जल्दी से फटाफट से जाओ कमेंट में लिखो आई एम फर्स्ट, क्योंकि मुझे पता वो नहीं बोलने पर भी तुम लोग लिखने वाले हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रॉकी ज़ेबेक के पावर को लेकर, तो यहाँ पर मैं उसके डेविल फ्रूट को नहीं बोलने वाला, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज बन चुकी है कि ये यामी यामी नोमी का प्रीवियस यूजर हुआ करता था और इसका अभी करंट यूजर जो कि ब्लैक बियर्ड है वो इसके विल को फॉलो करता है। और इस बात पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, क्योंकि इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ और इस पे बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। मैं यहाँ पर इसके हाकी पावर को लेकर के बात करूंगा। और तुम लोग अच्छे से जानते हो कि रॉकी ज़ेबेक उन बंदों में से है जिनके नाम के बीच में डी आता था, तो तुम इससे अंदाजा लगा लो कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि डी वाले जितने भी होते हैं वो सभी के सभी खतरनाक होते हैं। अभी तक हम लोग को जितना पता है तीन कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकी सबके पास कौन कर रहा की है। यहाँ पर मैं रॉकी ज़ेबेक को नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि यार इसके पास ऑब्वियस ही बात है होगा ही होगा, क्योंकि इसके क्रू में जो लोग काम करते हैं, तो वही चीज तुम देखो ना, वाइट बियर्ड जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है भाई, उसके पास तीनों टाइप ऑफ हॉकी का एडवांस वर्जन था, तो इसके पास क्या नहीं होगा। सेकंड स्कारलेट लेलिन जो अभी करंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर है, वो भी एक योंको है। थर्ड काइडो, वो उस वक्त ना सबसे वीकेस्ट हुआ करता था इसके क्रू में। फोर्थ सिकी द गोल्डन लायन। फाइव कैप्टन जॉन, और मैं नहीं गिनने वाला, ये बहुत खतरनाक कैरेक्टर्स हैं। बात करूं वो कैरेक्टर जिनके पास कॉन्करर हॉकी है या नहीं है, वो चीज अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है। जगवार डी सोल, पॉडगर्स डी रूज और ट्रफालगर डी वाटरलो। मेरे को जहां तक लगता है ट्रफालगर डी वाटरलो के पास कॉन्करर हॉकी है और वो फ्यूचर में यूज करता हुआ जरूर दिखेगा। बट फिलहाल के लिए तो हम लोग बात करें रॉकी ज़ेबेक को लेकर के, तो रॉकी ज़ेबेक पे वापस आते हैं। और रॉकी ज़ेबेक की बात करूं, ये तीनों टाइप ऑफ हॉकी का एडवांस वर्जन यूज कर सकता था, और मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी मेरे को जहां तक लगता है ये एडवांस कॉन्करर हॉकी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर हुआ करता था। क्योंकि यार जो बंदा तुम वही देखो वाइट बियर्ड को अपने क्रू में रखता हो, वो भी कमांडर, तो तुम उसे अंदाजा लगा लो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हुआ करता होगा। और इसको हराने के लिए रॉजर और गार्प को हाथ मिलाना पड़ा था। और तुम अगर मांगा चैप्टर पढ़े हो ना, मैं यहाँ पर एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ, मांगा चैप्टर में गार्प का ना शकल देखना, जिस तरह से खून से भर गया था इस फाइट के बाद, जो गॉड वैली में फाइट हुई थी ना, गार्प का चेहरा मतलब खून से लथपथ था। रॉजर को तो हमें वहां पर दिखाया नहीं गया था कि रॉजर का चेहरा किस हिसाब से बुरा हाल था, लेकिन गार्प का चेहरा देख के ही पता चलता है कि गार्प उस वक्त अपने प्राइम टाइम में था और वो इतना ज्यादा खून से भरा हुआ था, तो तुम उसी से अंदाजा लगा लो कि रॉक्स ने क्या मार के फाड़ा होगा गार्प को। व्हाइट बियर्ड, गोल्डी रॉजर और गार्प, ये लोग तीनों का पावर लेवल लगभग सेम है, जरा भी ऊपर नीचे नहीं है, एकदम बराबर का है। और इनमें से दो कैरेक्टर को आपस में हाथ मिलाना पड़ जाए इस कैरेक्टर को हराने के लिए, और ये लोग पूरे खून से भर जाए, मार के मतलब मुंह तोड़ दे, इस तरह से गंदा हाल किया था रॉकी ज़ेबेक ने, तो तुम अच्छे से अंदाजा लगा लो। इस पे कोई शक नहीं है कि इनमें से अगर एक कैरेक्टर को भी बोला जाए ना जा करके तीन एडमायरर्स में से दो को संभालो, ये लोग संभाल सकते हैं। तो तुम यहीं से सोचो ना, एक ऐसा पायरेट कैप्टन जो इन दोनों को अकेले संभाल सकता था, मार के बुरा हाल कर सकता था, भले ही वो हरा नहीं पाता वो बात अलग है, लेकिन इसने मार के बुरा हाल तो किया था, तो तुम उससे अंदाजा लगा लो कि ये बंदा अकेले तीनों एडमायरर्स को हरा देता। यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जिन लोगों को भी लगता है कि एडमिरल्स जो वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि इन लोगों की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी तक सुरक्षित है, वरना कोई भी बजा के चल जाता। मेरे हिसाब से दो एडमायरर्स एक योंको लेवल के हो सकते हैं, अगर दो एडमायरर्स जाके एक योंको के साथ फाइट करे तो शायद वो लोग दोनों संभाल भी ले, बट योंको से वो हार जाएंगे, लेकिन तीन एडमायरर्स भाई 100% श्योर हूँ वो लोग एक योंको को आराम से एक तरफा हरा देंगे। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि रॉकी ज़ेबेक इतना पावरफुल था कि वो तीनों एडमायरर्स को हरा देता, और उसके बाद भी वो शायद जा करके एक योंको से ही जा करके हारता, अगर तीनों एडमायरर्स को हराने के बाद भले उसका हाल बुरा हो जाता, लेकिन वो दम रखता था भाई, उसके बाद भी वो फाइट कर जाता। और तुम उसी से अंदाजा लगा लो कि गोल्डी रॉजर को मैं मानता हूँ कि वो अकेले दो एडमायरर्स को संभाल सकता है, और गार्प को भी मैं यही मानता हूँ कि वो अकेले दो एडमायरर्स को संभाल सकता है।
अपने प्राइम टाइम वाले गार्थ की बात करो और रॉजर तो प्राइम टाइम में ही मरा था। तो इसी से अंदाजा लगा लो कि प्राइम रॉकस्टी ज़ेबेक जो था कितना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। फ्यूचर में अगर हमें कॉन्करर हॉकी का और ज्यादा एडवांस वर्जन देखने को मिले तो मेरे को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए इतना ही हमें पता है और फ्यूचर में और कितना पावर पता चलेगा वो तो मैं वेट कर रहा हूँ। खैर, रॉकस्टी ज़ेबेक का पावर मैंने अपने हिसाब से बताया, अब तुम लोग का क्या मानना है तुम लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, एक और चीज मैं बोलना भूल गया था, मैं क्रंची रोल का गिव अवे का विनर अनाउंस करने वाला था आज, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम का वजह से डिले कर रहा हूँ। टेंशन मत लो, गुरुवार को मैं अनाउंस कर दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। खैर, फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन ऑन करो। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि 117 ही फॉलोअर है, मुझे और ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए। 200 तो करवाओगे, कब करवाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।